अरे रीना, ये इतनी मोटी रस्सी अपने कमर में क्यों बांध रही हो? माँ, अध्यापिका ने कहा है कि परीक्षाएं होने वाली है, अपनी कमर कस लो। तुम्हारी अध्यापिका ने तुम्हें मुहावरा बोलकर समझाया था। कमर कसने का अर्थ है किसी काम के लिए तैयार हो जाना। मुहावरा क्या होता है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुहावरे विशेष प्रकार के कथन हैं, जो भाषा को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। आओ कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग देखें। आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर करना। चिंटू के हाथ से गमला टूटने पर पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंखों का तारा, अर्थात बहुत प्रिय होना। श्री कृष्ण माता यशोदा की आंखों के तारे थे। आंखें दिखाना, अर्थात गुस्सा होना। माँ जब आंखें दिखाती हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। अंगूठा दिखाना, अर्थात साफ मना करना। मैंने राहुल से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना। महेश अक्ल का दुश्मन है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। कान भरना, अर्थात चुगली करना। सविता, तुम्हारी कान भरने की आदत अभी भी नहीं गई। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। अध्यापक को देखते ही छात्र भीगी बिल्ली बन गए। हवा से बातें करना, अर्थात बहुत तेज भागना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। लाल पीला होना, अर्थात क्रोधित होना। नौकर से प्याला टूटने पर माँ लाल पीला होने लगी। कमर कसना, अर्थात तैयार होना। मैंने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला न समाया। घी के दिए जलाना, अर्थात खुशी मनाना। दीपावली के दिन सभी घी के दिए जलाते हैं। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर न होना। दिनेश चिकना घड़ा है, किसी की कुछ नहीं सुनता। 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। दिन रात एक करना, अर्थात मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए नेहा ने दिन रात एक कर दिए। आओ दोहराएं। मुहावरे का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। मुहावरा वाक्यांश होता है।